अमृतसरी पनीर भुर्जी आपने खाई होगी, आप में से बहुत लोगों ने खाई होगी। सच में खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और उसके स्पाइसेस, उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। तो पनीर भुर्जी एक नॉर्थ इंडियन डिश है, तो मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर इसको बहुत ही बढ़िया से खाया जाता है। इंडिया के अंदर काफ़ी एक पॉपुलर डिश है, लेकिन अमृतसर की बात आती है तो अमृतसर के अंदर बहुत ही अलग तरीके से इसको बनाया जाता है। इसके मतलब बहुत ही अलग और यूनिक उनका तरीका है, तो वो किस तरीके से बनाते हैं वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम यहाँ पे पनीर लिया है, और इसको तड़का लगाने के लिए यहाँ पे प्याज लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के, और 6 से 7 कलियाँ लहसुन की, और एक छोटा टुकड़ा यहाँ पे अदरक का, 3 हरी मिर्ची, हरी मिर्ची स्पाइसी वाली नहीं है, ये नॉर्मल वाली है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, और एक यहाँ पे मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर का यूज़ किया है। तो देखिए, अभी सारे के सारे इंग्रेडिएंट को इस तरीके से बारीक यहाँ पे काट लेना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे डाला है देसी घी, देसी घी ही डलता है अमृतसरी भुर्जी के अंदर। तो जैसे घी गर्म हो जाता है तो इसमें जीरा डाल के प्याज है जो ऐड कर देने, और यहाँ पे प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लेना है, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे प्याज को भून लेना है। तो देखिए, प्याज पे हल्का सा कलर आ चुका है, तो इस टाइम पे चॉप किए हुए अदरक लहसुन भी ऐड कर देने हैं, और अदरक लहसुन के साथ यहाँ पे हरी मिर्ची भी डाल देनी है, और इनको भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भून लेना है, और उसके बाद यहाँ पे हम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए, अभी टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो देखिए, टमाटर को अभी इस मसाले को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भून लेंगे हम, ताकि बढ़िया से भून जाए, और यहाँ पे टमाटर डालने के साथ थोड़ा सा नमक भी हम डाल देंगे। नमक से क्या होता है कि टमाटर बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे गल जाते हैं, तो नमक भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अच्छे से यहाँ पे भून लेना है इनको 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए, और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा नॉर्मल ही भूनना है, क्योंकि हम ड्राई कुकिंग करने वाले हैं। तो जैसे ही थोड़े से भून जाते हैं तो इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, और 1.5 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने डाला है धनिया पाउडर, और नमक हम पहले ही डाल चुके हैं तो अब नहीं डालेंगे। तो देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद बिल्कुल मसाले बढ़िया से यहाँ पे भून चुके हैं, तो अभी इसमें ऐड कर देना है अपना पनीर। तो सारा का सारा पनीर इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, पनीर ऐड कर दिया है, तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, पनीर यहाँ पे मैंने क्यूब्स में काटा है, बिल्कुल छोटे छोटे। आप चाहो तो सीधा, जैसे मतलब ढाबे वगैरह पे जैसे सीधा तोड़ के मतलब पनीर को डालते हैं, तो आप इस उस तरीके से भी डाल सकते हो, मैश करके भी डाल सकते हो। तो क्यूब्स में डालने से क्या होता है कि पनीर नीचे चिपकता नहीं है। तो देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए अभी ढक के छोड़ देंगे मिक्स करने के बाद। तो 2 से 3 मिनट यहाँ पे हम इसको ढक के पकाएंगे, ताकि बढ़िया से है मतलब पनीर है जो गल जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 से 3 मिनट मेरे को हो चुके हैं, तो बिल्कुल पनीर यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया से पक चुका है। तो देखिए, बिल्कुल चिपका बिल्कुल नहीं है। तो गैस को मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था। तो अभी एंड में क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे गर्म मसाला डालना है फ्लेवर के लिए, डालना चाहो तो डाल लेना, घर पे बना रहे हो तो स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गर्म मसाला डाला है, और थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे और ढक के यहाँ पे छोड़ देना है। तो लगभग 1 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने इसको और ढक के छोड़ दिया है। तो लगभग 1-2 मिनट पकाने के बाद पनीर भुर्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो देखिए, कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट अमृतसरी पनीर भुर्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो सच में ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है, इसको आप बना के ज़रूर देखिएगा। और रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो